कटिहार में आरजेडी नेता की हत्या पर आरजेडी काफी गुस्से में है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने परिजनों को आश्वस्त किया था कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा, बावजूद इसके आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। ये षड्यंत्र रचा गया, उसकी हत्या की गई, ये हत्या बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए बिहार सरकार को हम दोषी मानते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। चलिए साहब, हत्या किसी की हो गई, लेकिन आप उसके बाद इतना मौका मिल गया, 4 दिन हो चुका, लेकिन आज तक आप मुजरिम का पता नहीं कर सके। आप उसका बेगूसराय में छापेमारी करने गए पुलिस टीम पर ही अपराधियों ने हमला कर दिया। पुलिस इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोड़ामपुर गांव की है। गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी कि यहां पर कई अपराधी छिपे हैं। इसी सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अन्य अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलो उस पर माने गए थे हम लोग पकड़ने के लिए, वारंट था वहाँ, उसको हम लोग पकड़ के लेके आ रहे थे। जो यहाँ जो पकड़े है वो पकड़ के लाए थे हम लोग, जिसने बोला ये की कर रही रे मौगी छोड़ी, ये सब माने चोर आ गया, इसी पर सब मेहरानू जुट गई। उसके बाद ये सब डांटा से मारने लगा उसमें। नवादा जिले में शराब कारोबारियों के खिलाफ आक्रोशित महिलाएं एसपी से मिलने पहुंची। महिलाओं का कहना है कि वे शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी से काफी परेशान हो गई हैं। शराब कारोबारी आए दिन उनके साथ छेड़खानी करते हैं और इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है, जिसके बाद एसपी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि शराब माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।